morning student, you are watching your own channel Physics for You, and today's topic is elastic collision between two bodies in two dimensions. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है और बॉडीज जो है कोलिजन के बाद दो डायमेंशंस में मूव आउट करती हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मूव आउट करती हैं, इस टाइप के कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद उनकी क्या वेलोसिटीज होती हैं, वी हैव टू फाइंड दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. इनिशियली अ बॉडी इज M1 एट पॉइंट ए. मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड बॉडी M2 पॉइंट बी, एंड दिस सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. ये बॉडी बी बॉडी की तरफ मूव आउट कर रही है जिसका मास कितना है M2, एंड द सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी U1. आफ्टर द कोलिजन जब टक्कर हो जाएगी, मान लीजिए M1 बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है इस तरीके से और M2 बॉडी इस तरीके से मूव आउट करती है, एक साथ दो एक्सिस कवर हो रही है, वन एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस भी कवर हो रहा है, वाई एक्सिस भी कवर हो रहा है, बॉडी इस तरीके से जा रही है. कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना वो है θ1 और नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितना है θ2, θ1 एंड θ2. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी v1 एंड दिस साइड फाइनल वेलोसिटी इज v2. सो अकॉर्डिंग टू, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम कितना है बॉडी का, m1 u1 प्लस m2 दूसरी बॉडी का, बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम क्या हो गया जीरो, इक्वल्स टू ये बॉडी एक्स एक्सिस में. अब जो v1 है वो रिजॉल्व हो जाएगा और जो ये v2 है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा टू कंपोनेंट्स के अंदर. v1 रिजॉल्व होगा इधर की तरफ, v1 cos θ1, ये θ1 है तो ये भी कितना होगा θ1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है cos, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो होता है sin. तो यहां एंगल बनेगा क्या, v1 cos θ1 और ऊपर की तरफ, यहां कोई एंगल नहीं है, यहां बनेगा क्या v1 sin θ1. सो v1 वेलोसिटी विल रिजॉल्व इनटू v1 cos θ1 एंड v1 sin θ1. सिमिलरली ये जो v2 है ये भी दो में रिजॉल्व हो गया, ये एंगल θ2 तो ये भी क्या हो गया θ2, तो इधर की तरफ बना क्या v2 cos θ2 और नीचे की तरफ क्या बन गया v2 sin θ2. क्लियर, नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा कोलिजन से पहले, m1 u1 प्लस इसका कितना मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले, m2 इंटू जीरो, इस ये बॉडी रेस्ट पे है, इक्वल्स टू ये जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, कहाँ बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, प्लस एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ. अब इधर की तरफ फाइनल मोमेंटम्स क्या क्या हैं, एक तो इस वेलोसिटी की वजह से होगा और दूसरा इस वेलोसिटी की वजह से होगा एक्स एक्सिस पे. तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, m1 v1 वेलोसिटी कितनी है cos θ1 प्लस इधर m2 v2 cos θ2 m2 v2 cos θ2. सो m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है कहाँ, y एक्सिस पे. क्या ये बॉडी y एक्सिस पे जा रही है, नहीं जा रही, तो इसका मोमेंटम क्या होगा y एक्सिस पे, मान लीजिए ये हमने ले लिया क्या y एक्सिस, y एक्सिस पे ये तो x एक्सिस में जा रही है, y एक्सिस पे जीरो प्लस ये बॉडी, ये बॉडी तो शुरू में इनिशियल मोमेंटम
x एक्सिस में ही जीरो है तो y का तो बात ही छोड़ दो, ये भी y एक्सिस पे नहीं जा रही, ये रेस्ट पे है, तो ये भी क्या होगा जीरो, ये जीरो यहां पर भी था, x एक्सिस में भी इसका मोमेंटम जीरो था और y एक्सिस में भी क्या होगा मोमेंटम जीरो। अब आप फर्स्ट बॉडी को देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रही है, कितना v1 sin थीटा 1, तो इसका मोमेंटम होगा m1 v1 sin थीटा 1 प्लस ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब माइनस y एक्सिस, बॉडी कहां जा रही है माइनस y एक्सिस, तो ये क्या आ जाएगा m1 into माइनस v2 साइन थीटा 2, यहां आएगा 2, यहां क्या आएगा साइन थीटा 2, सो फाइनली 0 इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 sin theta 2, ये बॉडी इधर आ जाएगी, इट विल बी m2 v2 sin theta 2 इक्वल्स टू m1 v1 sin theta 1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये बनेगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन किसके बेसिस पे बनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे किसके बेसिस पे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब किसके बेसिस बनेगी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है किस पे, वेलोसिटी कितनी है इसकी u1, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है तो हाफ m2 इंटू जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू, वो बॉडी उधर की तरफ जा रही है, हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर, सो फाइनली हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर। This is your third equation. This is your third equation. दो equation conservation of momentum के basis पे बनी है और third equation हमारी conservation of kinetic energy के basis पे बनी है। Now, आप जरा यहाँ check out करें, after the collision कितने unknowns है? After the collision, we don't know. Before the collision, we don't know the velocities. V1 is unknown, V2 is unknown, थीटा वन इज अननोन एंड थीटा टू इज अननोन। वी हैव हाउ मैनी अननोन्स, फोर अननोन्स, वी वन वी टू थीटा वन थीटा टू एंड हाउ मैनी इक्वेशंस वी हैव, वन टू एंड थ्री। सिंस वी हैव थ्री अननोन्स एंड सॉरी सिंस वी हैव फोर अननोन्स एंड टू सॉल्व देम वी हैव ओनली थ्री इक्वेशन, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ these four unknowns. अब अगर हमें इन चार unknowns की value निकालनी है, v1, v2, theta 1 और theta 2, तो practically हमें at least एक value पता होनी चाहिए। For example, जैसे अगर हमें theta 1 पता है, if we know the value of theta 1, then we can able to solve other three unknowns. Clear? This is how we can solve the elastic collision in two dimensions. Thank you.